इधर गरियाबंद में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। फिंगेश्वर राजिम मुख्य मार्ग पर कई पेड़ गिर गए। बोरसी के पास पेड़ गिरने से जाम तक लग गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और स्थानीय लोग इन्हें हटाते हुए नजर आए। बेमौसम हुए बारिश और तेज तूफान ने जमकर तबाही मचाया है। फिंगेश्वर महासमुंद मुख्य मार्ग बोरसी के पास देखिए कि काफी बड़ा पेड़ यहां पर गिरा हुआ है, जिसके वजह से लोग आफत में आ गए हैं। दोनों ओर जाम लगा हुआ है। यहां देखिए कि काफी लोग अभी फंसे हुए हैं। हालांकि दूसरे दूसरे मार्ग से लोग निकल रहे हैं और काफी ज्यादा तेज तूफान होने की वजह से काफी ज्यादा बारिश हुई है और आफत आप देखिए किस तरह तबाही यहाँ पर तूफान ने मचाया है। ये विशालकाय पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर मैं पहुंचा हुआ हूँ और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक नहीं दो पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं और लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल यहाँ से निकल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कब से फंसे है जानेंगे कि कब से फंसे भैया? एक घंटा हो गया हमको। काफी ज्यादा बारिश है। कहाँ कहाँ पेड़ गिरे हैं? सामने यहाँ तो दो गिरा है, आगे एक और गिरा है। पूरा सड़क जाम है। देखिए पूरा सड़क जाम है। ये फिंगेश्वर महासमुंद मुख्य मार्ग है और इस मार्ग में तकरीबन दर्जन भर से भी ज्यादा पेड़ गिरे हुए हैं। हम रास्ते में देखे काफी पेड़ गिरा हुआ है और इस तरफ देखे कि काफी बड़ा पेड़ जो है वो गिर गया है, जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जाम हो गया है। लोग अलग अलग रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेमौसम बारिश और तूफान ने अपना कहर बरसाया है, तबाही मचाया है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। होली आने वाली है, लोगों पर होली की